हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंदान एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपना अटेंशन बढ़ा लें, क्योंकि मैं इस टॉपिक के बारे में कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन करूंगा जो कि आपको हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जेई मेंस में एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीबीएसई, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है। जिन बच्चों की कंपार्टमेंट लग चुकी है, अगर उन्होंने ये कोर्स लिया है तो आपके लिए लाइफ सेवर है, क्योंकि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट बोर्ड, अगर आप स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, ये चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, काफ़ी आपको मज़ा आएगा चैप्टर पढ़ के। मेरा ऐसा वादा ही नहीं, आपसे दावा है, यू वुड फील रिलैक्स एंड हैप्पी, और काफ़ी कम समय में हम बहुत बढ़िया से पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नोटबुक और पेन लेके आप नोट्स बनाते जाएं, या फिर जैसे ही मैं नोट डाउन करने के लिए कहूँगा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ ही साथ लेक्चर्स के साथ हमने पीडीएफ भी प्रोवाइड किए हैं, ताकि आपकी रिविजन शॉर्ट में हो सके। सो मैट्रिसेस क्या होता है, देखिए सिंगुलर वर्ड है मैट्रिक्स, प्लूरल है मैट्रिसेस, ठीक है। इसका एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, जैसे कि आपको एक इक्वेशन दिख रहा है, लीनियर इक्वेशन विथ फोर वेरिएबल। अब ऐसे अजीब चीज को सॉल्व करने में हम कैसा करते हैं, सब्सटीट्यूशन करते हैं, एड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो ठीक है, तो इसके लिए एक तो क्रैमर रूल यूज होता है, या फिर हम मैट्रिसेस के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। बट जैसे ही जमाना डेवलप हुआ, मैथ्स में, इकोनॉमिक में, कंप्यूटर साइंस में इसका यूज होने लगा, इवन इन द एस्ट्रोनॉमी कुछ हद तक इसका यूज होता है। बहुत सारी फाइल के एनक्रिप्ट करने में, उनको लॉक करके पासवर्ड देने में भी मैट्रिसेस का यूज होता है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोच रहे होगा, ओके, मैट्रिसेस या मैट्रिक्स का यूज होता है, तो वो मैट्रिसेस है क्या? सिंपली मैट्रिसेस क्या है, अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ नंबर और फंक्शन इन रोज एंड कॉलम। जैसे कि आपको दिख रहा है ये रो है, ये कॉलम है, तो अगर किसी बॉक्स के अंदर, किसी ब्रैकेट के अंदर आप इन वैल्यूज को लिख दो तो आप इसे क्या कहेंगे, एक मैट्रिक्स कहेंगे। सपोज मैं बी ले लेता हूं, ठीक है, बी इक्वल टू 1 0 XP, मैंने लिख दिया, ये क्या बन गया, मैट्रिक्स। सो जब आप वैल्यूज को एक ब्रैकेट में लिख देते हो तो वो बन जाता है मैट्रिसेस, ठीक है, इतना क्लियर है। मैट्रिक्स में ऐसे जो दिख रहा है हॉरिजेंटल आर रो, ठीक है, तो ये क्या है, ये है फर्स्ट रो, ये क्या है सेकेंड रो, ऐसे में क्या दिख रहा है फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड कॉलम, ठीक है, इस तरीके से हो रहा है। जनरली जो मैट्रिसेस है इट इज नोटेड बाय कैपिटल लेटर। हर बार इस चैप्टर में जब कभी भी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आया, समझ लीजिए वो मैट्रिसेस है। साथ ही साथ आपको तो पता चल चुका है, ये कॉलम वन है, ये कॉलम टू है, ये कॉलम थ्री है, ये है रो वन, ये है रो टू और ये है रो थ्री। समझ में आ रही है आपको बात, क्लियर। ऐसे 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 है रो, ऐसे 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 है कॉलम, रो वन रो टू रो थ्री, कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री। काम की बात करते हैं, कभी कभी मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखा जाता है, समझ में आ रहा है, राउंड ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं। सो 1 2 1 0 3 1 4 1 5, तो ये भी प्रेजेंटेशन सही है, ये भी प्रेजेंटेशन सही है। दूसरी बात, अगर आपने सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन बना दी, समझ में आ रही है बात, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट कहेंगे। ये जो बार्स है और यहां ब्रैकेट है, देखिए मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में यही फर्क है, एंट्रीज यहां पे भी है, एंट्रीज यहां पे भी है, बट जब आप इसे ब्रैकेट लगा देते हो तो वो मैट्रिक्स बनता है, जब आप बार्स लगा देते हो तो वो डिटर्मिनेंट बनता है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, बट फंडामेंटल डिफरेंस जान लो। दूसरी बात, व्हाट इज एंट्रीज और एलिमेंट्स, एंट्रीज या एलिमेंट्स क्या होता है। देखिए मैट्रिक्स ए में इतने सारे जो दिख रही है वैल्यू, इसको क्या कहा जाता है, एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, या फिर एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसके बारे में हम अगले 2 मिनट में जानेंगे। तब तक के लिए इंट्रोडक्शन का लिख लीजिए आप, हैव अ नोट ऑफ इट।
हम लोग जो नेक्स्ट कंसेप्ट देखने वाले हैं, इट इज सो कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स विच इज डिनोटेड बाय आर इंटू सी और एम इंटू एन. सो वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, वो कैसे लिखा जाएगा? रो इंटू कॉलम और एम इंटू एन. ठीक है, इट्स अ रूल और ऑलवेज आपको यही रूल फॉलो करना है. सपोज कर लीजिए आपके सामने एक मैट्रिक्स है ए विच इज 1 2 3 4 5 6. तो जरा बताइए कितनी रोज है इसमें? रो 1, रो 2, रो 3 और कॉलम कितने हैं? कॉलम 1, वहां से स्टार्ट करना है, कॉलम 1, कॉलम 2. सो आई कैन से द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3 रोज एंड 2 कॉलम. जनरली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो मैट्रिक्स के यहां पे लिखते हैं नीचे एक कॉर्नर में. सो इसमें है 3 रोज 3 कॉलम्स, सो हो जाएगा 3 क्रॉस 3. समझ में आ रही है बात? रो इनटू कॉलम. रॉयल चैलेंजर्स भी आप लर्न रख सकते हो. कितनी रोज है देखो, 1 2 3 4 4 रोज. कितने कॉलम है? 2. सो दिस इज सो कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आया करते हैं. हमारी बोर्ड लेवल एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. इवन इंजीनियरिंग एंट्रेंस में जो स्टेट लेवल है, जैसे कि महाराष्ट्र सीईटी, WBJEE, गुजरात सीईटी, MPPET, UPTU, इनकी एग्जाम में भी इस तरीके के ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, इसका ऑर्डर बताओ 1 इंटू 1. अच्छा, इसका ऑर्डर बताओ, बताओ क्या आएगा? कितनी रोज है? 2 रो है 5 कॉलम है. सही है ना? सही किया है ना? 1 2 3 4 रो 2 कॉलम. ठीक है, 1 2 3 4 5 कॉलम 2 रोज. ठीक है, तो इस तरीके से हमने रो और कॉलम लिखा. चलिए आपके लिए एक ब्रेन टीजर है, चेक करते हैं आप टैलेंटेड हो या नहीं. आपको मुझे बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स. क्या बताना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स. आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इफ मैट्रिक्स हैज 4 रो एंड 8 कॉलम. वैसे इसका एक्सप्लेनेशन मैं आगे देने वाला हूं, उसके तो कोई दिक्कत नहीं है. देखते हैं कि कौन कर पाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. देखिए, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे सामने वो है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स. इसका काफी इंपॉर्टेंस है हमारे सिलेबस में. जनरली जो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है, छोटा ए आई जे. द स्मॉल लेटर ए डिनोट्स एलिमेंट, द कैपिटल लेटर डिनोट्स द मैट्रिक्स. सो इट इज ए आई जे, आईथ रो जेथ कॉलम. एज यू नो दैट इन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स द आर इज रिटन एज फर्स्ट and the C is written as second. Similarly, ith means first one, jth means second one, ith row, jth column. Suppose we have matrix A which look like this, okay? So its element can be written as like first row or first column ke element ko A11, first row or second element ko A12, first row and third column ko A13. Similarly, yahan pe kya aa raha hai? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का A21. सिमिलरली क्या हो जाएगा? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम A22, सेकेंड रो थर्ड कॉलम A23. तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रेजेंटेशन रहेगा. सिमिलरली थर्ड रो में क्या आएगा? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा थर्ड रो सेकेंड कॉलम. एज यू नो दैट आइथ रो जेथ कॉलम, ये हो जाएगा लास्टली आइथ रो जेथ कॉलम 3 क्रॉस 3. सो डोंट कंफ्यूज इट एज 1 1, इसे 1 1 समझने की गलती ना करें. बिकॉज इफ आई एम गोइंग टू सपोज टू राइट इट एज A 1 क्रॉस 1, it would look horrible. Okay, so that's why we write 1 1. So you need to understand that this ith row jth column means
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा। तो चलिए बताइए इस मैट्रिक्स में A11 कौन है, A11 कितना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, A12 कितना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2, A13 कितना है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1, A21 कितना है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4। सिमिलरली इस तरीके से आप बाकी एलिमेंट्स ढूंढ सकते हो। A22 कितना आएगा सेकंड रो, विच इज सेकंड रो, टेल मी दिस इज सेकंड रो, विच इज सेकंड कॉलम, ये रहा सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो इट इज 1। तो इस तरीके से हमारे सामने आंसर आ जाएगा, इट वाज अ रियली सिंपल। एंड जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर था मैं आपको बता देता हूं, सपोज इट हैज 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, देयरफॉर आई कैन से दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू आर इंटू सी, दैट इज 3 × 3, दैट इज 9। तो आप ये बात समझ के चले कि वेन एवर वी वॉन्टेड टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पर्टिक्यूलर मैट्रिक्स, यू जस्ट नीड टू डू आर इंटू सी, दैट इज नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज 9। अगला सवाल है मैट्रिक्स बी आपके सामने कुछ इस तरीके से है, फाइंड A32। डियर स्टूडेंट सही सोच रहे हो आप, छोटा ए किसको डिनोट करता है, द स्मॉल लेटर ए डिनोट्स एलिमेंट्स, सो इट इज एलिमेंट नंबर 32, द फर्स्ट इज डिनोटिंग रो एंड द सेकंड इज डिनोटिंग कॉलम, वेयर इज रो नंबर 3, दिस इज रो नंबर 3 है ना, रो 1 रो 2 रो 3, व्हाट इट, वेयर इज कॉलम नंबर 2, दिस इज कॉलम नंबर 1, दिस इज कॉलम नंबर 2, सो दिस रो दिस कॉलम कौन आ रहा है, 6 आ रहा है, सो 6 इज द आंसर। सिमिलरली A31, व्हाट इज A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5। सो आई रिक्वेस्ट यू राइट डाउन ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स आएंगे, इट हैज 3 रोज एंड 4 कॉलम, मींस 12 एलिमेंट्स, सो यू नीड टू राइट ऑल द एलिमेंट्स बिकॉज इट इज यूजफुल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, गॉट इट। So it is all about element of matrix denoted by small a and matrix denoted by capital A. Ith row, jth column. Whenever in the exam you find IA, IJ, you need to remember that I is denoting for row and J is denoting for column. I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा and you must be happy in the learning experience. Have a note of it. डियर स्टूडेंट्स अगला जो कंसेप्ट है इट इज सो कॉल्ड एज जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स को लिखने का एक जनरली फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से है। अब एक एक चीज को हम इन डिटेल समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपको दिख रहा है एलिमेंट नंबर 1 1, एलिमेंट नंबर 1 2, ऐसा कहां तक जाएगा एलिमेंट नंबर 1 n। एज यू नो दैट मैट्रिक्स में n कॉलम है तो कॉलम की मैक्सिमम कैपेसिटी यहां पे क्या है n, सिमिलरली रोज की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है m, सो mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो nth कॉलम, और देख लो मैट्रिक्स का लास्ट एलिमेंट लास्ट रो को डिनोट करेगा, लास्ट कॉलम को डिनोट करेगा, मैट्रिक्स का लास्ट एलिमेंट लास्ट रो लास्ट कॉलम, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इट इज मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n, तो लास्ट एलिमेंट किस कोऑर्डिनेट करेगा mth रो एंड nth कॉलम, ठीक है, कुछ भी खास नहीं था, दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ राइटिंग। दूसरी बात i किसको डिनोट करता है रो को, j किसको डिनोट करता है कॉलम को, तो किसी भी मैट्रिक्स में जीरो रोज हो ही नहीं सकती, समझ में आ रही है बात, सो वो मिनिमम 1 रहेगा मैक्सिमम m रहेगा, एक्चुअली i एंड m आर 1 एंड द सेम ith रो, ठीक है, बट i की जो रेंज है वो 1 टू m होगी और j की जो रेंज है वो 1 टू n होगी, ठीक है। दूसरी बात तो मैट्रिक्स को हम जनरली लिख सकते हैं a इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस n, i और j डिनोट करते हैं एलिमेंट को, ith रो jth कॉलम एलिमेंट, और m क्रॉस n चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है, सही सोच रहे हो और बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत टैलेंटेड बच्चे हो, m क्रॉस n डिनोट कर रहा है रोज इंटू कॉलम, दैट मींस ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स।
तो इसका यूज देख लेते हैं। वैसे नेसेसरी नहीं है बताना, बट आपके जैसे अच्छे बच्चों के लिए मैंने लगेज एक एग्जांपल ले लिया है। सपोज देयर इज अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर 2x2, ठीक है। दैट मींस हाउ मेनी एलिमेंट इट वुड हैव, इट वुड हैव 4 एलिमेंट्स, क्लियर। द फर्स्ट इज ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। See, this is the question which was asked in CBSE exam, so don't take it lightly. ठीक है, ऐसा आ गया। इसमें कितने elements होंगे? 4। So there is a definition given in the question. They are saying that what is aij? So in place of I, write 1. In place of j, write 1. So a11 would be what? 2 times of 1 plus 1, that is 4. तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 4. ठीक है। Similarly, what is A12? So A12 would be what? In place of I, put 1. In place of J, put 2. As you know that according to rule of the Bodmer's, we solve the bracket first. So 2 plus 1, 3. 3 2s are 6 ho jayega. So A12, 6 ho jayega. Similarly, mentally calculate karte hain. 3 2s are 6. 4 2s are 8. सही है ना? 2 प्लस 2 कितना होगा? 4, राइट। सो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं इन अ कॉम्पैक्ट वे। यू कैन डिफाइन दिस मैट्रिक्स इन अ कॉम्पैक्ट वे। बस ये बन गया मैट्रिक्स, ठीक है। आपकी नॉलेज के लिए बताया, अदरवाइज मैं सिर्फ जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बता रहा था जो कि कैसा है, कुछ ऐसा है। दिस इज सो कॉल्ड एज जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। दिस वॉज द क्वेश्चन कि ऐसा ऐसा है, ठीक है, और यहां से आंसर स्टार्ट है। दिस इज द क्वेश्चन, क्लियर। दिस इज द आंसर। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट मैट्रिक्स, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा होगा ना मैट्रिक्स डिफाइन कैसे किया? आई की जगह पे वन रखा, जे की जगह पे वन रखा। सो ए वन वन अपने को क्या मिला? आई की जगह पे वन, जे की जगह पे वन, 4। ए वन वन मिला 4, ठीक है। सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, कुछ भी खास नहीं था। सिमिलरली ए वन टू कैसे ढूंढना? I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, तो 1 प्लस 2 होता है 3, 3 2 जा 6, 6 इधर लिख दिया। सिमिलरली 2 1 और 2 2 आप बुक में कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज मेंटली भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। एज आई ऑलवेज से, हैव अ नोट ऑफ इट। देखिए अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिसेस में, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द मैट्रिक्स फॉर्म। सो इसका यूज वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में होता है। सपोज कर लीजिए आपको एक डेटा दे रखा है वर्ड प्रॉब्लम का, गॉट इट। वर्ड प्रॉब्लम के डेटा को आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। व्हेन इट कम टू मैट्रिसेस ना, हमारी बोर्ड एग्जाम में जनरली एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है, ठीक है। 2019 में देखने को वो नहीं मिला जो ऑल इंडिया का पेपर था, उसमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं आया था। आउटसाइड दिल्ली में आया था, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, और एमपी बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, तमिलनाडु बोर्ड में आया था, बट सीबीएसई में वर्ड प्रॉब्लम नहीं आया था। ऑल इंडिया सेट में, आउटसाइड दिल्ली में आया था, ठीक है। फॉरेन के सेट में भी आया था। तो जनरली मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। तो आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा जिसको आप लिखोगे, जैसे कि रहेगा कि ऑफिस 1 में 5 कंप्यूटर है, ऑफिस 2 में 2 कंप्यूटर है, एंड देयर आर टैबलेट, टैबलेट्स कह देते हैं, ठीक है, ठीक है। टैबलेट्स तो आपको पता ही होगा, आईपैड आपके हाथ में होगा, उस तरीके से ही। सो ऑफिस 1 में इतने, ऑफिस 2 में इतने, हमारे पास ऑफिस 1 में मोबाइल्स इतने हैं, ऑफिस 2 में मोबाइल्स इतने हैं, तो ये टैबुलेशन फॉर्म आ गया। अब इन सारी वैल्यूज को अगर मैं एक मैट्रिक्स में लिख दूं तो क्या आ जाएगा? 5 2 1 3 4 1। सो इट इज सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स फॉर्म। अब देयर इज अ बिग क्वेश्चन इन योर माइंड। आप बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हो, बहुत ही होशियार बच्चे हो। आप कहोगे सर ऑफिस 1 को बाद में लिखे और ऑफिस 2 को पहले लिख दें, चलेगा क्या? चलेगा ना। दैट मीन्स फिर वो क्या हो जाएगा? 2 3 1 5 1 4 चलेगा।
एक और सवाल, सही, बहुत ही होनहार बच्चे हो, बहुत ही होशियार बच्चे हो। आप कह दोगे कि हम ऑफिस वन ऑफिस टू ऐसे लिख दें और कंप्यूटर टैबलेट्स और मोबाइल को ऐसे लिख दें, तो वो कैसा हो जाएगा? ऑफिस वन में है 5 1 4, यह 2 3 1, तो आप ऐसा मैट्रिक्स बनाओ तो भी चलेगा। समझ में आ रही है बात? ये वाला मैट्रिक्स भी सही है, ये वाला मैट्रिक्स भी सही है, या फिर ऑफिस वन और ऑफिस टू की पोजीशन चेंज कर लो तो भी सही है, ठीक है। दूसरी बात, मैट्राइसिस का कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं है, डिटर्मिनेंट का एक ज्योमेट्रिक मीनिंग है जो कि हम देखेंगे डिटर्मिनेंट में, बट इसका कोई ज्योमेट्रिक मीनिंग नहीं है। ये डेटा उठाया, मैट्रिक्स में रखा, ब्रैकेट लगा दिया, डेटा उठाया, रख दिया, एक ब्रैकेट लगा दिया, खत्म। इसका कोई ज्योमेट्रिक मीनिंग नहीं है। सी, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो चलो बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स दिस मैट्रिक्स हैज? सही जवाब, नंबर ऑफ एलिमेंट है रो इंटू कॉलम। कितनी रोज है? 3 रोज है, रो 1 रो 2 रो 3। कॉलम्स कितने हैं? यहां से स्टार्ट करेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2, तो कितना हो जाएगा? 3 रो 2 कॉलम, मतलब कितने आएंगे? 6, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स R इंटू सी भी लिख सकते हो या फिर M इंटू एन भी लिख सकते हो, जो कि कितना है? 3 इंटू 2, ठीक है। तो क्वेश्चन हो चुका है खत्म। दिस वॉज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द मैट्रिक्स फॉर्म। हैव अ नोट ऑफ इट। देखिए, हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो पास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स, मतलब 3x2 उसका ऑर्डर है, तो वो मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें होगी 3 रो 2 कॉलम। सो उसमें होगा A11, A12, A21, A22, A32, है ना, इस तरीके से उसमें एलिमेंट्स होंगे। नाउ टेल मी वन थिंग, मैंने फर्स्ट लाइन पढ़ी, जितना मुझे समझ में आया लिख दिया। मैथ्स इसी तरीके से सॉल्व होता है, फर्स्ट लाइन आप लिख लो, ठीक है, फर्स्ट लाइन आप पढ़ लो, उससे जितना समझ में आ रहा है लिख लो, ठीक है। आगे रीड करते हैं, हूज एलिमेंट्स आर गिवन बाय AIJ इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस, ये मॉड है, i-3j। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चाहिए A11, तो जिधर जिधर I है उधर उधर 1 रखूंगा, जिधर जिधर J है उधर उधर भी क्या रखूंगा? 1 रखूंगा, तो क्या हो जाएगा? A11। सो जिधर जिधर I है उधर उधर 1, जिधर जिधर J है उधर उधर 1। आप देख पा रहे हो इट इज 1/2, 3 into 1 3, 1 minus 3 कितना होता है? -2, but as you know that it is modulus, so when it comes to mod, ना एक रूल है कि माइनस ए अगर मॉड में है तो ए बार आएगा, और अगर प्लस ए मॉड में है तो भी ए बार आएगा। दैट मीन्स मॉड में जो भी वैल्यू होती है पॉजिटिव भी बार आती है, दैट मीन्स फाइनल आंसर आ गया 1। सो फाइनल आंसर इज वॉट? 1। लेट्स डू इट वन मोर टाइम, आई की जगह पे 1, ठीक है, सेम फॉर्मूला में आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 2 रख दो, तो कितना हो जाएगा? 1/2, आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 2 रख दो, तो कितना हो जाएगा? 3 2 times 6, देखो बॉडमस का रूल है, पहले मल्टीप्लाई होता है फिर प्लस माइनस होता है, 3 2 6, 1 minus 6 -5, -5 का मॉड 5, तो हो जाएगा 5/2। बाकी के कैलकुलेशंस मैं आपके ऊपर रखता हूं, ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड A21, A22, A31, A32, सो दैट्स इज, दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व, और ये आई गेस CBSE में पास्ट ईयर में आया हुआ है, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया था ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, तो उसका एप्लीकेशन है। कंसेप्ट पढ़िए, लगेज उस पर क्वेश्चन कर लीजिए, बाय हैंड क्वेश्चन कर लीजिए, ताकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो रहे। आपको ये एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। यू हैव ओनली 60 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं, इट इज सो कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, तो मैट्रिसेस में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे काफ़ी सवाल आते हैं. हमारे सीबीएसई में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं. जैसे कि आपको बता दूं, सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसपे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था. ठीक है, तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में भी इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं. और इवन मैं आपको बता दूं, जो जेई मेन्स की एग्जाम है एनटीए ने कंडक्ट की थी, उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फोकस के साथ देखिए. बहुत ईजी करके समझाऊंगा, अननेसेसरी डेटा नहीं रखूंगा, शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स. क्या है कॉलम मैट्रिक्स? जैसा नाम वैसा काम. कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम रहता है, इट हैज ओनली वन कॉलम. ठीक है, सो रो इनटू कॉलम, सो कॉलम ओनली वन. सो ये कितने कॉलम है? वन कॉलम है. इसमें कितने कॉलम है? वन कॉलम है. इसमें कितने कॉलम है? वन कॉलम है. रो 500 हो, 5000 हो, 5000 करोड़ हो, डजंट मैटर. एक कॉलम मिला मतलब वो कॉलम मैट्रिक्स. अगला रो मैट्रिक्स. जैसा नाम वैसा काम. रो मैट्रिक्स में कितनी रो होती है? सिर्फ ओनली वन रो. एज यू कैन सी दैट हाउ मेनी रो डज इट हैव? वन रो. सो इट इज अ रो मैट्रिक्स. ओके, ठीक है. इट इज एट द सेम टाइम कॉलम एज वेल, बट यहां पे उसका क्या यूज? रो है ना, ओके चेकआउट कर लो और आगे बढ़ो. हाउ मेनी रो डज इट हैव? वन रो. ओके, रो मैट्रिक्स सी. अच्छा, कितनी रो है? एक ही रो है. दैट मीन्स कौन सा है? ये रो मैट्रिक्स है. क्लियर है? That's it. Have a note of it. Next जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, इट इज सो कॉल्ड एज स्क्वेयर मैट्रिक्स. तो नेक्स्ट टाइप में क्या है ऐसा खास? जैसा नाम वैसा काम. When number of row equal to number of column, we call it as a square matrix. Like this. One row, one column. Like this. Two row, two column. Like this, three rows and three columns. When number of row equal to number of column, we call it as a square matrix. Similarly here, four rows and four column. ठीक है, कुछ भी नहीं था, काफी easy lessons है. I hope आपका confidence boost हो रहा होगा और आपका you know पढ़ाई में interest आ रहा होगा. अगला concept है which is one of the most important. It is a hot topic. इस पे एग्जाम में सवाल आया करते हैं. डायगोनल एलिमेंट. तो डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? व्हेन आई इक्वल टू जे. ठीक है, दिमाग में ये बात फिट कर लो. देखिए स्क्वायर में कितने डायगोनल होते हैं? स्क्वायर हैज टू डायगोनल. फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस. बट व्हेन इट कम्स टू मैट्रिसेस ना, देयर इज ओनली वन डायगोनल. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? होता है, इट्स अ रूल. When I equal to J, it is so called as diagonal element. So can you see the diagonal element over here? Yes, I can see. So these all A11, A22 and A33 are the only diagonal elements. So what are the diagonal element? 106. Clear hai? Diagonal elements kya hai? जहां पे A11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, मतलब I equal to J हो, तो ही डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं. इसका यूज होने वाला है नेक्स्ट वन मिनट में, आपको इसका यूज समझ में आएगा. बट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज मैट्रिक्स हैज ओनली वन डायगोनल. दिख रहा है आपको? सो इफ दीज एलिमेंट्स आर डायगोनल एलिमेंट, सो नॉन डायगोनल किसको बोलेंगे? इसको, इसको, इसको क्या बोलेंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट या फिर एंट्रीज. क्लियर है? ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये वाले नॉन डायगोनल है. ऑफ कोर्स ये तीन भी है ना, सो ये वाले तीन और ये वाले तीन नॉन डायगोनल है और ये डायगोनल है. क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं. इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन है? 1 और 3. क्लियर है ना? तो यहां पर आएगा आपको समझ में आया होगा. ठीक है, हमने क्या क्या देखा? स्क्वायर मैट्रिक्स, रो इक्वल टू कॉलम,
और डायगोनल एलिमेंट व्हेन रो इक्वल टू कॉलम हो वो वाला एलिमेंट. सो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, a11 a22 a33 a44 a55. तो बस इतना ही था, हैव अ नोट ऑफ इट. डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने मैट्रिक्स का नेक्स्ट टाइप है जो कि है डायगोनल मैट्रिक्स. व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल मैट्रिक्स? इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, क्योंकि डायगोनल बनने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है. ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या? इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो देन ओनली इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो, डायगोनल वैल्यू है 1, 2, 3, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है 0, दैट मींस हमें से कह सकते हैं इट इज डायगोनल मैट्रिक्स. सेकंड देखो, ग्रीन कलर के सारे एलिमेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं और 1, 2, x और 0 क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स. तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस मैट्रिक्स के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है? हाँ है, दैट मींस इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. यू कैन से सर डायगोनल का एक एलिमेंट 0 है, उसको जाने दो ना, अपना उससे कोई मीनिंग ही नहीं है. डेफिनेशन ये कहती है नॉन डायगोनल 0 है क्या, तो देखो नॉन डायगोनल 0 है क्या, हाँ है ना, दैट मींस ए डायगोनल मैट्रिक्स है. ठीक है, सिमिलरली यहां पे देखो डायगोनल वैल्यूज है और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है 0, तो ये दैट मींस ए डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 0. ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे सामने, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जिसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर? हैव यू हर्ड ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन? फिजिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, सो स्केलर मीन्स वॉट? नंबर. स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है. इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, यस, ओके, इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल. जब एक मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो, दैट मींस नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो और सारे डायगोनल एलिमेंट कैसे दिखे? हां सही सोच रहे हो, एक जैसे दिखे, तब उसे कहा जाएगा स्केलर मैट्रिक्स. यहां पे बताओ स्केलर मैट्रिक्स है क्या? हाँ है ना. पहले बताओ ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हम तो 0 हैं. और डायगोनल एलिमेंट क्या है? 5, 5, 5. सारे डायगोनल एलिमेंट कैसे हैं? एक जैसे हैं. दैट मींस ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स. ठीक है, इन्हें एक बार आप लिख लीजिए, कुछ याद रखने जैसा तो नहीं है, एक दो बार आप रीड करोगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएगा. इसमें एग्जाम के ऊपर सवाल पूछते हैं, हैव अ नोट ऑफ इट. जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप और इसका काफी यूज होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? ये स्क्वायर होना चाहिए. ठीक है, ये ऐसा मैट्रिक्स है जो स्क्वायर होना चाहिए, जिसकी वैल्यू 1 होती है. जब हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वैल्यू 1 कैसे होती है. इट्स डायगोनल एलिमेंट इज ओनली 1. ठीक है, और सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे हैं? 0. जब एक मैट्रिक्स मिलता है जिसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या मिल जाए? 0 मिल जाए, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या मिल जाए? 1 मिल जाए, तब उस कंडीशन में वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय कैपिटल आई. So, I1 मतलब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 row 1 column, दैट इज आपके सामने. आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मतलब 2 rows 2 column 1 1 और इधर 0 0. I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 बाकी 0 0 0. तो इसका बहुत यूज होने वाला है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. इट्स ऑल अबाउट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, अगला है जीरो मैट्रिक्स. सो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है?
जब एक मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो तो उसे कहा जाता है जीरो मैट्रिक्स। इसका कुछ यूज नहीं है बट सिर्फ सिलेबस में है इसलिए बताना पड़ रहा है। इसको हम ओ से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। जीरो मूवी भी आई थी ना, सो वो जीरो अलग है, ये जीरो मैट्रिक्स है जिसमें सारी वैल्यूज क्या है जीरो, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट वन वन वन, सिर्फ वन ही दिखे। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है। फोर बाय फोर भी बना सकते हो, फोर बाय फोर कैसे बनेगा, वन 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 वन, बाकी जगह क्या आ जाएंगे जीरो। बस दिस इज ऑल अबाउट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हैव अ नोट ऑफ इट। जो नेक्स्ट टाइप हमारे सामने स्क्रीन पे है वो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन रिडक्शन मेथड। तो रिडक्शन मेथड क्या है ये हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, बट उसके पहले आप जान लें कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें ऊपर तो वैल्यू होती है और नीचे जीरो होता है, दैट मींस बिलो डायगोनल वैल्यूज क्या रहती है जीरो। जैसे कि आपके सामने मैट्रिक्स है, ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे जीरो है क्या, हाँ है ना, तो दैट मींस है अपर ट्रायंगुलर। सिमिलरली यहां पे देखो ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे कौन है, डायगोनल के नीचे कौन है जीरो, दैट मींस ये अपर ट्रायंगुलर है। डायगोनल दिख रहा है, डायगोनल के नीचे क्या है जीरो, दैट मींस ये क्या है अपर ट्रायंगुलर। अगर यहां पे 8 आ गया तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा क्योंकि डायगोनल के नीचे सारी वैल्यू क्या चाहिए जीरो, ठीक है। बिलो डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, वी कैन से ऑल ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। अगला है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा होता है, लोअर ट्रायंगुलर में नीचे वैल्यू, अपर ट्रायंगुलर में ऊपर वैल्यू। लोअर ट्रायंगुलर में कहां वैल्यू होंगी, नीचे वैल्यूज होंगी और ऊपर क्या जीरो, समझ में आ रही है बात। डायगोनल के ऊपर जीरो, डायगोनल के ऊपर क्या आना चाहिए जीरो, और नॉन डायगोनल के नीचे कुछ भी होना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, बिलो डायगोनल ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है अबोव डायगोनल ऑल वैल्यूज आर जीरो, ठीक है। सो अपर ट्रायंगुलर में आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर वैल्यूज है ना, लोअर ट्रायंगुलर मतलब नीचे वैल्यूज, अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर वैल्यूज, लोअर ट्रायंगुलर मतलब नीचे वैल्यूज। तो एक और टाइप आप अपने मन से लिख लीजिए, कोई भी एक टाइप अपने माइंड से आप लिख लीजिए, जैसे कि 8 1 3 0 5 4। देखिए यहां जीरो आता है वहां तो इश्यू है ही नहीं ना, अगर ये मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर बनाना है दैट मींस नीचे वैल्यू और ऊपर क्या आना चाहिए जीरो जीरो जीरो, यहां एक हाथ जीरो आया चलेगा, बट इसको लोअर ट्रायंगुलर बनना है दैट मींस डायगोनल के ऊपर की सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए जीरो। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप क्या कीजिए, नोट डाउन करने के साथ अपने माइंड से एक एक एग्जांपल दोनों का लिख लीजिए ताकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहे, और बस हैव अ नोट ऑफ इट। देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक हम वो देखेंगे वो है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है उसे समझते हैं हम। लेट अस से वी हैव अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 4 1 2 3, ठीक है। आपको फाइंड करना है इसका डिटर्मिनेंट, सो इट इज डिनोटेड एज रेगुलर बार्स। सिर्फ आपको क्या लगा देनी है, दो बार लगा देनी है, ठीक है। देयर इज अ रूल टू फाइंड द डिटर्मिनेंट एंड व्हाट इट सेज दैट, ये वाला एलिमेंट जो है ना वो क्रॉस में जाएगा, ठीक है,
और ये वाला एलिमेंट है ना वो उस तरफ जाएगा, क्लियर है? यहां वाला यहां पे, यहां वाला यहां पे, क्लियर है? सो आवर आंसर फॉर द डिटर्मिनेंट इज 4 × 3 बाय डिफॉल्ट इन बिटवीन माइनस साइन एंड 1 × 2, क्लियर? बाय डिफॉल्ट माइनस साइन, 3 इस तरफ भेजा, 2 उस तरफ भेजा, ओके? इट्स लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई, बट 4 इधर भेजोगे, 1 इधर भेजोगे, ऐसा नहीं करना, 3 यहां 2 यहां, तो इतना हो जाएगा 4 × 3 = 12, 12 - 2 दैट इज 10. सो 10 इज व्हाट, 10 को क्या बोलेंगे, देयरफॉर 10 इज इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू, क्लियर है? सो दिस इज हाउ वी फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. लेट्स से यू हैव अ मैट्रिक्स ए व्हिच इज इक्वल टू 8 1 6 5. Its determinant value would be what? Yes, apply the regular bars. So, 8 × 5 = 40 - 6 = 34. So, this is the determinant of 2 by 2. ठीक है? 2 by 2 का determinant कुछ इस तरीके से लेते हैं. See, कुछ कुछ matrix determinant value based होते हैं. These type are decided on their determinant value. That's why I am teaching you this. जो student ने 11th में नहीं पढ़ा है, वो देख लें determinant value इस तरीके से निकालते हैं. Have a note of it. अगला जो हम देख रहे हैं वो है determinant value of 3 × 3. Suppose you have a matrix 1 2 1 0 3 1 4 1 1. You have to find the determinant value. So how to find it? Let's begin. So इसकी determinant value find करने की एक proper method होती है. तो चलिए शुरू करते हैं. First of all, if you wanted to find the determinant, हर एक को आपको किसमें लिखना होता है? Bar में लिखना होता है. 1 2 1 0 3 1 4 1 1. बराबर, क्लियर है? अब इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू, 3 by 3 के डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करने की एक मेथड होती है, ठीक है? वन ऑफ द मेथड इज, ऊपर वाले एलिमेंट्स बताओ, 1 2 1 वो लिख दो. कैसे लिखोगे? 1 2 1 लिख दिए, और साइन कौन सी आएगी? साइन आएगी प्लस माइनस प्लस. समझ में आ रही है बात? स्टेप नंबर 1, ऊपर की वैल्यू लिख दो, कौन सी साइन के साथ? प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है? आगे अपने पास एलिमेंट कौन सा है? 1 1 यहां पे है, ठीक है? 1 की रो को डिलीट कर दो और 1 की कॉलम को डिलीट कर दो, आपको क्या दिख रहा है? सही सोच रहे हो, 3 1 1 1 वो यहां पे लिख दो. अब 2 की रो डिलीट कर दो, रो डिलीट, 2 की कॉलम डिलीट कर दो, क्या बच गया? 0 1 4 1, ठीक है? अब 1 की रो डिलीट कर दो, 1 की कॉलम डिलीट कर दो, 1 की रो डिलीट, 1 की कॉलम डिलीट, बच गया 0 3 4 1. ठीक है? बस इसी तरीके से हम डिटर्मिनेंट ऑफ 3 by 3 फाइंड करते हैं. 1 × anything, no change. अब 2 by 2 की तो सॉल्विंग बताई है ना, ये वाला इधर, ये वाला इधर, तो हो जाएगा 3 - 1, है ना? 3 1 = 3, 1 1 = 1, -2 as it is. 0 × 1 0, 4 × 1 4. बाय डिफॉल्ट बीच में क्या आता है? सही सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, माइनस आता है. 0 × 1 0, 4 × 3 12. आई थिंक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो. प्रोसीजर फिर से बता देता हूं, ऊपर की लीडिंग वैल्यूज लिख दो 1 2 1, ठीक है? इन दिस केस इट इज 1 2 1. फिर साइन लिख दो प्लस माइनस प्लस, ठीक है? फिर फर्स्ट वैल्यू के लिए उसकी रो डिलीट और उसकी कॉलम डिलीट, जो बच गया उसको आपने डिटर्मिनेंट में लिख दिया. सेकेंड की रो डिलीट और उसका कॉलम डिलीट, बच गए एलिमेंट्स आपने डिटर्मिनेंट में लिख दिया. थर्ड वाले की रो डिलीट और उसकी कॉलम डिलीट, और जो बच गई वैल्यू आपने लिख डाली.
न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आई गेस आप कर सकते हो, 3-1 कितना होता है, 2 होता है, 0-4 इज -4, -4 इनटू -2 8, ठीक है, और इधर जाएगा -12, सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, -2। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी, द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इज व्हाट, माइनस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, हैव अ नोट ऑफ इट।